अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन से इस मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हो तो तुरंत ही दिखाई दे रहा है कि इस नंबर मतलब ये फ़ोन बिजी है, ठीक है, व्यस्त तो है। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? देखो, इस फ़ोन का नाम दिखाई दे रहा है R21, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है शायद, देखो R21 Plus, ठीक है। तो मैं आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर कॉल वाला सेक्शन पर गया एंड इस नंबर पर मैंने कॉल किया, ठीक है। इस फ़ोन का ये नंबर है, जैसे ही मैंने स्पीकर करके फ़ोन कर रहा हूँ, देखो आप सुनो। আপনার ডায়াল করা নম্বরটি বর্তমানে ব্যস্ত রয়েছে, অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ পর আবার কল করুন। अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर भी इस टाइप का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैं आप लोगों को एक एक स्टेप्स डिटेल में बताता हूँ, आप ध्यान से इसको अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको मिडिल वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स में चला जाना है। तो मैं सेटिंग्स में चला गया, देखो, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है एंड आपको सिक्योरिटी वाला सेक्शन पर आ जाना है। देखो, यहाँ पर मेरा सिक्योरिटी वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करके मिडिल वाला सेक्शन पर आ रहा हूँ। उसके बाद नीचे की तरफ से मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर ब्लैक लिस्ट दिखाई दे रहा है और इसके नीचे मेरा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्हाइट लिस्ट, ठीक है। तो इस व्हाइट लिस्ट वाला सेक्शन पे आ जाना है। तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है व्हाइट लिस्ट सेटिंग, दूसरा है व्हाइट लिस्ट नंबर। तो आपको व्हाइट लिस्ट नंबर वाला सेक्शन पर एक बार क्लिक करना है, चला जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखो ओके दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, इसी नंबर के वजह से मतलब ऐसा मेरा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हाइट लिस्ट में अगर किसी भी एक नंबर आ जाता है तो आपका सारे फोन कॉल ब्लॉक कर दिया जाता है। मतलब किसी भी फोन से अगर फोन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये नंबर अभी बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इस नंबर को आपको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए देखो यहाँ पर एक ऑप्शंस वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एंड ऑप्शंस पे चला जाता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर तीन नंबर पे एक डिलीट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने डिलीट पे आ गया, उसके बाद यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर दिया, उसके बाद डिलीटेड दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर फिर से ओके बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। देखो, ओके बटन पर जैसे क्लिक कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पर एमपीटी लिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार बैक बटन पर आ जाता हूँ। बैक बटन पे आ जाने के बाद देखो यहाँ पर व्हाइट लिस्ट नंबर्स दिखाई दे रहा है, तो मैं फिर से यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, मतलब मेरा व्हाइट लिस्ट नंबर से वो नंबर डिलीट हो चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोन से फिर से उस नंबर पे कॉल करके देखता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने इस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ। देखो, अभी कॉल आ चुका है, ठीक है। मतलब जैसे ही मैंने व्हाइट लिस्ट नंबर से उस नंबर को हटा दिया, तुरंत ही मेरा कॉल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर भी इस टाइप का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो आप सबसे पहले व्हाइट लिस्ट वाला सेक्शन पे जाके आप उस नंबर को, मतलब जो नंबर वहाँ पर ऐड किया हुआ है, उस नंबर को डिलीट कर देना। उसके बाद जैसे ही आप कॉल करोगे तो तुरंत ही कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही था प्रोसेस, मैं आपको डिटेल में अच्छे से बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के तहत आपको फुल डिटेल जानकारी अच्छे से पता चल चुका है। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मदद मिली है, तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।